हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए ड्रॉप कैप समझते हैं। ड्रॉप कैप कहाँ होता है? तो ड्रॉप कैप होता है आपका एमएस वर्ड में। यहाँ पर आएंगे तो आपको ड्रॉप कैप दिखाई पड़ेगा। देखिए दूध को ड्रॉप कैप हम लगा रखे हैं, एक ड्रॉप कैप फिलहाल मैं हटा देता हूँ। अब ये ड्रॉप कैप लगेगा कैसे? ड्रॉप कैप लगाएंगे हम इंसर्ट मेन्यू में जाके। तो ये इंसर्ट मेन्यू में गए हम, ठीक है, और यहीं से ड्रॉप कैप लगाएंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, सिंगल एक लेटर सेलेक्ट कर लिया मैंने। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू पे जाकर के और फिर यहाँ पर ड्रॉप कैप लगाना है, ठीक है। तो ये ड्रॉप कैप पे जाइए और कोई भी स्टाइल जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये ड्रॉप कैप अप्लाई हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कितने लाइन की होती है ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन का होता है। अब कैसे पता 3 लाइन का होता है? यहाँ पर जब जाएंगे तो ये दिया होगा ड्रॉप कैप। यहाँ पर जब जाइएगा ना तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ड्रॉप लाइन टू ड्रॉप, 3 लाइन ये ड्रॉप करता है, ठीक है। एक दो और ये देखिए ये 1 2 3, ये तीनों को जोड़िए ना, 3 लाइन तो है। तो 3 लाइन का होता है बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ड्रॉप कैप में कितनी लाइनें आती हैं, तो 3 लाइन आती हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ये पेपर ऊपर में इसे ही छपता है, ठीक है।